गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने एक्सरसाइज 2.3 किया था और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का फिनिश किया है। आज हम करने जा रहे हैं 2.2। ओके, सो 2.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे दोनों साइड में सॉल्व करने के होंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया, क्वेश्चन दिया है सॉल्व 2x माइनस 3 क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हमारे दोनों साइड वाले हैं, दोनों साइड सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले हमने लिखा 2x माइनस 3 equals to x plus 2, ओके? तो x minus 3 equals to x plus 2, हम क्या करेंगे, x x की वैल्यू को एक साइड में ले लेंगे और दोनों साइड को एक साइड में, तो x यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 2x minus x, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है हमारा, क्योंकि यह minus 3 हो रहा है, ये जब उस साइड ट्रांसपोज होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 3, ओके? 2 प्लस 3 5, 2x में से x माइनस किया तो क्या हुआ, x हमारा x की वैल्यू क्या आई, 5। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है या नहीं, तो हम चेक कैसे करते हैं, तो देखिए ये हमारा चेकिंग चल रही है, चेकिंग में देख लेते हैं कैसे आउट, ठीक है, चेकिंग हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे, हमने क्या लिखा, 2 x की जगह पर लिखा 5 माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस 5। ओके, तो 5 प्लस 5 कितना होता है, 10 होता है, 2 5 जो 10, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या है, 2। तो 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 होगा, 5 टू 10 माइनस 3, 10 में से 3 माइनस किया तो कितना आया हमारा, 7, यानी कि हमारा यहाँ पर देखा LHS जो है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल हुआ, राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ। जब हमारा LHS RHS के इक्वल होगा, यानी कि हमारा ये वैल्यू जो है ये राइट, अगर हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं आता है तो यानी कि हमारा आंसर राइट नहीं है। ओके, चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हमने लिया, वो है सॉल्व 5x प्लस 7 अपॉन 2 5x प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2x माइनस 14, क्या है, 3 अपॉन 2x माइनस 14। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन हमने पहले क्वेश्चन किया 5x प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2x माइनस 14, ओके, पहले का ये 14। अब हम सेम प्रोसीजर हमारा वही है, x x की वैल्यू को हम एक साइड लेंगे, 5x यहाँ पर पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 3.2x माइनस 14, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 7/2। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना होगा, 2 5 टू 10x माइनस 3x इक्वल टू, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया,
करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप पुट करें तो आपके जो LHS है वो RHS के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है, यदि इक्वल है तो यानी कि आपका आंसर राइट है, अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो यानी कि आपका आंसर रॉन्ग है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम मूव करते हैं अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में करेंगे, और जो भी किसी का डाउट होता है तो आप डाउट क्लियर करवा सकते हैं या फिर स्कूल में आकर के समझ सकते हैं। ओके, हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं एट, एक क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर एट करेंगे, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। थ्री क्या दे रखा है, 5x+9=5x+9=5+3x। ओके, सॉल्यूशन हमने क्या किया, पहले एक्स क्वेश्चन लिखा 5x+9=5+3x, हम एक्स एक्स की वैल्यू को ऐसा करेंगे 5x-3x=5-9, इतना हो गया 2x-4x=-4। आपका एक्सरसाइज 2.3 आपका होमवर्क है और आपको होमवर्क के फॉर्म पे करना है, सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक में और नोटबुक बनाते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स नहीं मालूम पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, वी विल प्रोसीड फर्दर विद न्यू एक्सरसाइज इन न्यू सेशन, जो भी आपके डाउट्स हों डाउट्स क्लियर करवाते हैं।